इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। लोकसभा केंद्रीय अपडेट, 8वें वेतन आयोग फॉर्मूला एवं 46% महंगाई भत्ता पर कर्मचारियों को लिए शानदार अपडेट। प्रेस विज्ञप्ति 12 दिसंबर 2023 माननीय नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री महोदय श्री मोहन यादव जी से प्रदेश के शासकीय सेवकों का 4% महंगाई भत्ता शपथ ग्रहण के बाद देने की मांग। जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समन्वय कल्याण समिति प्रदेश के 54 अधिकारी कर्मचारी संगठनों का समूह के प्रदेश संरक्षक प्रमोद तिवारी, प्रदेश संयोजक अरुण द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष उदित भदौरिया ने प्रदेश के नवनिर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मोहन यादव जी से एवं राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त श्री रमेश चंद्र शर्मा जी से मांग की है कि शपथ ग्रहण के बाद शासकीय सेवकों का शेष 4% महंगाई भत्ता केंद्र के समान देने की कृपा करें। अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। प्रणाम साथियों, 12 दिसंबर 2023 लोकसभा केंद्रीय अपडेट सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 की ताजा खबर। पूर्व पेंशन पर अपडेट आया, जीपीएस पेंशन स्कीम केंद्रीय बजट सत्र में हो सकता ऐलान। 11 दिसंबर 2023 को लोकसभा में आया अपडेट, 8वें वेतन में संशोधित फॉर्मूला के तहत संभावित हो सकती है 5% वृद्धि। नए वर्ष 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों को 4% दाम मिलने की संभावना। मप्र सरकार के शपथ कार्यक्रम उपरांत कैबिनेट की प्रथम बैठक में जुलाई 2023 का शेष 4% दाव वृद्धि की संभावना। प्रमोद सिंह पनवार, परसराम कापड़िया, सुदामा प्रसाद शर्मा, लाखन सिंह सेंगर, अनिल मिश्रा, रीना गुप्ता, प्रज्ञा तिवारी, रामचरण वर्मा प्रदेश संगठन मंत्री, प्रांतीय शिक्षक संघ निर्णायक मंडल सदस्य, वरिष्ठता बहाली मंच मप्र।